आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन में टीओआर पर डेडलॉक बरकरार है। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है। इस पर बात करते हैं 24 न्यूज की नुमाइंदा रोजीना आली से। रोजीना अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आइंदा हफ्ते मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास तलब किया गया है। चूंकि हुकूमत और अपोजिशन में अभी तक टीओआर पर डेडलॉक बरकरार है, 8 इजलास हुए पार्लियामानी कमेटी में, ताहम कोई भी अहम पेशरफ नहीं हो सकी, इसलिए अब अपोजिशन ने एक बार फिर फैसला किया है कि मिल बैठेंगे और तमाम तरमूर का जायजा लेते हुए जो है उस पर लाहे अमल तय किया जाएगा। तमाम जो मुतहदा अपोजिशन की जमातें हैं उनकी जो सीनियर क्यादत है वो इसमें शरीक होंगे। सिराजुल हक, परवेज इलाही, खुर्शीद शाह, शाह महमूद कुरैशी समेत जो है दीगर अराकीन इसमें शिरकत करेंगे। तमाम जो तमाम सियासी जमातों के रहनमा है वो पार्टी पॉलिसी से भी आगाह करेंगे और ये लाहे अमल तय किया जाएगा कि अब हुकूमत को आगे किस तरह से टफ टाइम देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है, कोई भी अभी तक पेशरफ नहीं हो सकी है। जो टीओआर की बर्फ एक पड़ी हुई थी वो पिघलती हुई कहीं पर भी नजर नहीं आई है। तहम अपोजिशन इजलास से कबल जो है तमाम जो पार्टीज हैं वो उनका भी अलग अलग इजलास मुतवक्के है, जिसमें वो अपोजिशन के साथ होने वाले इजलास के मुतलिक भी हिकमत अमली तय करेंगी। जी शुक्रिया रोजीना अली।